किस तरह की कहानी मैम वो थोड़ा बताइए, क्योंकि ये अलग टॉपिक भी बनेगी फिल्म में। ये एक लव स्टोरी है जहाँ पे दो ऐसे किरदारों की कहानी है, जहाँ पे हम दो नहीं तीन देखते हैं, क्योंकि एक लड़की हु सफरिंग फ्रॉम स्किज़ोफ्रेनिया, वी टॉक अबाउट हर जर्नी एंड हर लव विथ हर हस्बैंड, और किस तरीके से अगर आप डिस्कवर करते हैं कि किसी के साथ ऐसा ट्रॉमा है या ऐसा हादसा है, एंड यू नो समबडी इज सफरिंग थ्रू अ मेंटल डिसऑर्डर, यू नो हाउ यू डील विद पीपल, जो उसके इर्द गिर्द लोग होते हैं वो उनके ऊपर क्या बीतती है। सो इट इज़ द जर्नी ऑफ दिस कैरेक्टर एंड अलॉन्ग विथ द अदर्स। हाँ, दे आर टू बिजी टॉकिंग, ये मेरे प्रोड्यूसर है, वी वर डिस्कसिंग, या 20th of April। सी परफॉर्मेंस वाइज लैला इज मोर डिफिकल्ट टू प्ले फॉर इशिता, ऑब्वियसली आई एम श्योर, सो इट वॉज लवली प्लेड बाई हर, बट दोनों में से कौन सा मुझे पसंद है, मुझे दोनों पसंद है, क्योंकि एंड ऑफ द डे वो एक ही है, वो मेरी बीवी है, तो मैं नहीं बोल सकता मुझे कल्पना पसंद है तो लैला बुरा मान जाएगी, लैला पसंद है तो कल्पना बोल, एंड में पिटना मुझे ही है, तो फिर उससे अच्छा है हर हस्बैंड की वही कहानी, हर हस्बैंड की वही कहानी है, तो मुझे दोनों कैरेक्टर्स पसंद है, फिर एंड ऑफ द डे वो है ही एक। इश्तरा रिलीजिंग ऑन द 20th of April पैन इंडिया। इट्स स्टोरी के बारे में, इट्स अबाउट स्प्लिट पर्सनालिटी, रिशिता प्लेस टू रोल्स द सेम पर्सन, Mohit also ends up playing two roles to win her love back. We've got great performances done by them. I think we've got great music. We've been happy to have associated with really good singers and actors, and we hope you like it too. Fans ko boliye main ye is tarah dekhne ke liye fans ko kya kehne hain, main ye kehna chahungi ki ye ek aisi alag type ki kahani hai jo aapko कई बार आपने बहुत सारी फिल्में देखी होंगी, आजकल कंटेंट बेस्ड फिल्म्स बहुत आती हैं, बट इट विल बी अ डिफरेंट फिल्म, हटके फिल्म है, हटके कहानी है, बहुत ही अच्छे गाने हैं, ड्रामा है, इमोशंस है, रोमांस है, एंड आप ज़रूर पसंद करेंगे, एंड गाने भी आप ज़रूर गुनगुनाना शुरू कर देंगे। यही कहूँगा कहीं ना कहीं आप इस फिल्म में किसी ना किसी के साथ रिलेट ज़रूर करोगे, सो डू वॉच द फिल्म 20th of April and you will love the music. I'm sure Ishtera aapne suna hai, abhi ek broken bhi aaya, and now Jiyona Jiyon will come out, so I hope you really like the film, and it's all about love at the end of the day. Thank you.